टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल मुकाबले में एक बार फिर से हमें विराट कोहली की खराब फॉर्म जारी रहते हुए नजर आई, जहां पर विराट कोहली ने पहले एक काफी अच्छा सिक्स रीच टॉपले को लगाया था, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से ब्लाइंड स्लॉगिंग करने की वजह से विराट कोहली बोल्ड आउट हो गए और 9 गेंद पर 9 रन बनाकर वापस पवेलियन चले गए। हालांकि पहले ही पता चल रहा था कि पिच पर बल्लेबाजी करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद विराट कोहली हमें बार बार इंटेंट की वजह से स्लॉग करते हुए नजर आ रहे थे, जो कि बिल्कुल भी उनका गेम नहीं है। खासकर एक धीमी पिच के ऊपर जहां पर शॉट खेलना आसान नहीं था, वहां पर विराट कोहली का इस तरीके से बल्लेबाजी करना सबको हैरान कर गया। इसके बाद जब विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में गए तो उनकी आंखों में आंसू थे। विराट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। 2021 के बाद पहली बार हमने विराट कोहली को इस तरीके से देखा। जब भारतीय कोच राहुल द्रविड़ ने उनको ड्रेसिंग रूम में इस तरीके से देखा तो वो उनके पास गए और उनसे बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया कि अभी भी शायद हमें फाइनल मुकाबला देखने को मिले जिसमें भारत पहुंचेगी। कमेंट करके आप लोग बताना विराट कोहली की फॉर्म के बारे में आपका क्या ओपिनियन है।